Good morning, students. In our last lecture, we studied about Nathpanthis, Siddhas, and Yogis. These groups criticize the ritual and other aspects of conventional religion and the social order. And second thing which we have discussed in last lesson, Islam and Sufism. इस्लाम और सूफ़ीज़म में क्या था, जैसे हिंदुइज़म यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, तो ठीक वैसे ही एक और कम्युनिटी सूफ़ीज़म जो थे, सेंट्रल एशिया से जो लोग आए हुए थे, तो उनके साथ ये लोग आए थे सूफ़ीज़। तो यहाँ पर अब एक सूफ़ीज़ और मुस्लिम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। काफ़ी सारे सूफ़ी तरीक़ा जो हमने देखे थे, डिफरेंट मेथड्स जो हमने देखे थे, कि जितने भी सिलसिला जो थे, जैसे एक चिश्ती सिलसिला हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या देखा था हमने कि काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, रिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में इनको बताया जाता था, काफ़ी सारे सूफ़ी टीचर्स थे इनके जिन्हें पीर कहा जाता था। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी saw a न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो 13th सेंचुरी के बाद का जो ये टाइम पीरियड रहा है, इसमें एक नई लहर भक्ति मूवमेंट के अंदर जो दिखाई थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, काफ़ी सारे ग्रुप्स जो हैं सामने आए। दिस वॉज एन एज वेन इस्लाम, ब्रह्मानिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस ट्रेंड्स फॉर भक्ति एंड द नाथ पंथस सिद्धाज योगी इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर। तो ये काफ़ी सारे सोशल ग्रुप्स जो थे जो यहाँ पर मर्ज हो रहे थे, भक्ति मूवमेंट में आ रहे थे और नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हैं बढ़ रहे हैं। सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन। अब इन लोगों के साथ जो लोग मिल रहे हैं उनमें कौन कौन से लोग हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर जब ये फैल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड लिबरल्स थ्रोंग टू लिसन टू दीज न्यू सेंट्स एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं इन लोगों को सुनने वाले हैं और इनके आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे हैं। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स। अब कुछ लोग यहाँ पे रहे हैं कबीर और बाबा गुरु नानक के जैसे, जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स जो थे, रूढ़िवादी जो थी, तो उस चीज़ को इन्होंने रिजेक्ट किया। अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टिंग existing beliefs and practices but wanted to make these accessible to all। लेकिन तुलसीदास और सूरदास क्या है, इन्होंने इन चीज़ों को accept तो किया लेकिन ये कहा कि ये सारी चीज़ें जो है ना common होनी चाहिए, सभी लोगों की पहुँच तक होनी चाहिए। तुलसीदास conceived of God in the form of Rama। अब तुलसीदास ने क्या किया था, तुलसीकृत रामायण आप लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी, जिसमें उन्होंने भगवान को राम बताया है, भगवान को, भगवान का रूप बताया है राम को। तो तुलसीदास की जो कंपोजिशन है द रामचरितमानस रिटन इन अवधि ए लैंग्वेज यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, अवधि भाषा में लिखी गई है, रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर लिखी गई है। ये काफ़ी सारे वर्क्स जो हैं यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर किए जाते थे ताकि वह वहाँ के जो लोकल यूज़ में जो लैंग्वेजेस होती थी। इज़ इम्पोर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज ए लिटरेरी वर्क। तो उनका डिवोशन जो है वो उसमें दिखाई देता है। सूरदास वॉज एन अर्जेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो सूरदास जो रहे हैं वो भी इसी तरह से भगवान कृष्ण के काफ़ी ज़्यादा बड़े जो डिवोटी रहे हैं, श्रद्धालु रहे हैं। हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन द सूर सागर, सूर सरावली एंड साहित्य लहरी एक्सप्रेस हिज डिवोशन।
तो इनकी जितनी भी कंपोजिशंस हैं वो इन तीन बुक्स के अंदर आपको मिलती हैं, सुरसागर, सुरसरस्वती और साहित्य लहरी। इसके बाद और भी काफ़ी सारे कंटेम्प्रेरीज रहे हैं। शंकरादेव, लास्ट हमने पढ़ा था एक शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य थे वो कहाँ थे, केरला में थे, और ये कहाँ पर हैं, शंकरादेव हैं ये आसाम के अंदर। लेट 15th सेंचुरी, हु एम्फेसिस डिवोशन टू विष्णु एंड कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेज इन आसामीज। तो ये किसके डिवोटेड थे, भगवान विष्णु के लिए, और इन्होंने भी काफ़ी सारे पोएम्स लिखे, प्लेज लिखे आसामी रीजनल लैंग्वेज के अंदर ही इन्होंने अपनी जो है कंपोजिशंस की हैं, अपनी रचनाएं जो की हैं इन्होंने। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नाम ग्रह और हाउसेस ऑफ रिसिटेशन एंड प्रेयर। अब इन्होंने एक और चीज़ शुरू करी थी, नाम ग्रह या नाम घर बनाए थे इन्होंने, जहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना की जाती थी, भगवान को याद किया जाता था, प्रार्थना की जाती थी। ए प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट लाइक दादू दयाल। इसी तरह की कुछ और चीज़ें जो बनाई थी, जो शुरू की गई थी, तो उनमें कुछ और सेंट्स के नाम भी आते हैं, दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। मीराबाई वाज ए राजपूत प्रिंसेस मैरिड इन टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। मीराबाई जो थी वो एक राजपूत फैमिली से जुड़ी हुई थी, एक रॉयल फैमिली के अंदर इनकी शादी हुई थी मेवाड़ के अंदर, बट ये क्या थी, डिसिपल थी रविदास की, उनकी डिसाइपल थी ये, जो कि एक महार कास्ट से रिलेटेड थे, अनटचेबल थे, और जबकि राजपूत कास्ट से मीराबाई थी। मीराबाई बिकेम ए डिसिपल ऑफ रविदास, ए सेंट फ्रॉम ए कास्ट कंसीडर्ड अनटचेबल। तो एक सेंट बनी है मीराबाई, और वो भी ऐसे गुरु को जो अनटचेबल कास्ट से माने जा रहे थे। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा एंड कंपोज्ड इन्यूमरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। भगवान कृष्ण के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड रही हैं, और काफ़ी सारे इन्होंने भजन वगैरह भी लिखे अपनी भक्ति को दिखाने के लिए, डिवोशन को दिखाने के लिए। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। तो इन्होंने जो काफ़ी सारे भजन लिखे उनमें से काफ़ी सारे कुछ फेमस भी हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर या इस तरह की लाइंस आप लोगों ने सुनी होंगी। और मीरा को विष का प्याला दिया गया था, बट भगवान की काफ़ी ज़्यादा डिवोटी थी और कुछ भी नहीं हुआ इन्हें। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। अब इतनी बड़ी कैटेगरी से होने के बाद, इतनी बड़ी कास्ट राजपूत घराने से होने के बावजूद भी ये कैसे भक्ति के अंदर लीन हुई, कैसे एक सेंट बन गई। ए यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट इज दैट देयर वर्क्स वर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस एंड कुड बी संग। एक और यूनिक फीचर जो यहाँ पे दिखाई देता है, इन सेंट्स के जो वर्क्स थे, जो इन्होंने जो काम किए, जो कंपोजिशंस जो इन्होंने की, वो सारी की सारी इन्होंने की हैं रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर। अभी जैसे हमने पीछे देखा कि शंकरादेव जो थे उन्होंने किस में लिखा था, आसाम के अंदर, आसामी भाषा के अंदर। और तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है वो रामायण किस में लिखी है, अवधी लैंग्वेज के अंदर। तो दोनों ही लैंग्वेजेस क्या हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो रीजनल मासेस को जोड़ने का काम करेंगी कि वो लोग उनको पढ़ेंगे। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो रिटन वर्क्स हैं, जो भजन हैं या जो भी गीत हैं, ये इतने फेमस हो चुके हैं, इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंच रहे हैं। यूजली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस। द सॉन्ग्स एज वी हैव देम टुडे आर एज मच ए क्रिएशन ऑफ द सेंट्स
एज ऑफ जनरेशन ऑफ पीपल हु सेंग, जिन्होंने इनको गाया था. दे हैव बिकम ए पार्ट ऑफ अवर लिविंग पॉपुलर कल्चर, और आज ये हमारी कल्चर का एक पार्ट बन चुके हैं. वी मे सी इन दिस बियॉन्ड द राणा'स पैलेस. अब एक सॉन्ग जो लिखा गया था मीराबाई के थ्रू, राणा जी आई हैव लेफ्ट यूअर नॉर्म्स ऑफ शेम, कि राणा जी वर्ड जो है राजा के लिए यूज़ किया गया, मेवाड़ के जो राजा थे जहाँ इनकी शादी हुई थी. आई हैव लेफ्ट यूअर नॉर्म्स ऑफ शेम, कि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है. एंड फॉल्स डेकरम ऑफ द प्रिंसली लाइफ, कि मैंने तो अपना राजसी जीवन जो है वो भी छोड़ दिया है. आई हैव लेफ्ट यूअर टाउन, कि मैंने तो आपका घर भी छोड़ दिया है, आपका शहर भी छोड़ दिया है. एंड येट राणा वाई हैव यू केप्ट अप एनिमिटी अगेंस्ट मी, तो फिर राणा जी आप क्यों मेरे प्रति जो है इतना शत्रुता रख रहे हैं, इतना मुझे क्यों आप नफरत कर रहे हैं. राणा यू गेव मी ए कप ऑफ पॉइजन, कि आपने मुझे जहर का एक प्याला दे दिया. आई ड्रैंक इट लाफिंग, और मैंने इसको हंसते हंसते पी भी लिया. राणा आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय यू, कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आप मुझे क्यों ख़त्म करना चाहते हो. एंड येट राणा वाई हैव यू केप्ट अप एनिमिटी अगेंस्ट मी, और आप मुझे क्यों अपना दुश्मन समझते हैं, क्यों आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं. वाई डू यू थिंक मीरा बाई लेफ्ट द राणा'स पैलेस, आपको ऐसे क्यों लगता है कि राणा का महल जो है मीरा बाई ने क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड हो चुकी थी भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए. स्टूडेंट्स, नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह की कंडीशंस आ रही थी, जहाँ पर ये कंपोजिशन वर्क चल रहे थे, रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रही थी. तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर गुरु नानक, पंजाब और पाकिस्तान का जो एरिया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश के एरिया के अंदर सूरदास, रामानंद, कबीर, कालिदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ये सब लोग यहाँ पर अपनी रिलीजियस डेवलपमेंट्स के अंदर चल रहे हैं. भक्ति मूवमेंट का जो पार्ट था यहाँ पे, इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन ए क्लोजर लुक कबीर एंड बाबा गुरु नानक, जो दोनों ही एक काफ़ी ज़्यादा 15th सेंचुरी के आसपास जो हैं काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, एक अच्छे सेंट्स रहे हैं. थैंक यू.